ये देख सकते आप, ये सर जी चॉकलेट कुलचा, ये इनका चॉकलेट कुलचा। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से चॉकलेट डाली हुई है कुलचे के ऊपर। अरे सर अपना रबड़ी कुलचा, ये आगे इनका रबड़ी कुलचा देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। रसमलाई कुलचा, और ये आगे इनका रसमलाई कुलचा, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी रसमलाई रखी हुई है यहाँ पे। ये आइटम इनके काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले यहाँ के सिवा, आपको पूरी दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ये आइटम नहीं मिलने वाले। मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले। तो जैसे कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले आइटम, बहुत ही डिफरेंट है और इन्होंने ये खुद ही यहाँ पे इन्वेंट किए हुए हैं। क्योंकि आपके पास फोन है, गूगल है, यूट्यूब है, चाहे तो आप सर्च मार के देख लो, यही कह सकता हूँ। तो बात कर लेते हैं यहाँ के ओनर से, तो सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सोहन सिंह है सर। सर कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? ये 1 मंथ हो गया सर। ठीक है, तो सर मैंने सुना है आपके यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के कुलचे मिलते हैं, आइसक्रीम कुलचा, रसमलाई कुलचा, स्वीट क्रिस्पी कुलचा, रबड़ी कुलचा, चॉकलेट कुलचा, तो आपने कैसे इन्वेंट किए? ये सर ये दिमाग में एक दिन आया कि नमकीन कुलचे तो सारे बनाते हैं, एक मैं मीठा कुलचा बना के देखूं। तो वैसे फिर मैंने पहले रबड़ी बनाया, फिर चॉकलेट बनाया, क्रिस्पी बनाया, ऐसे ऐसे करते बनाते रहे। तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं इनके कुलचे। तो ये देख सकते आप, ये सर जी चॉकलेट कुलचा, ये इनका चॉकलेट कुलचा। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से चॉकलेट डाली हुई है कुलचे के ऊपर। अरे सर अपना रबड़ी कुलचा, ये आगे इनका रबड़ी कुलचा देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। ये है अपना रसमलाई कुलचा, और ये आगे इनका रसमलाई कुलचा, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी रसमलाई रखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट है। ये आइटम इनके काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले यहाँ के सिवा, आपको पूरी दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ये आइटम नहीं मिलने वाले। मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले। तो जैसे कि ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले आइटम, बहुत ही डिफरेंट है और इन्होंने ये खुद ही यहाँ पे इन्वेंट किए हुए हैं। क्योंकि आपके पास फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है, चाहे तो आप सर्च मार के देख लो, यही कह सकता हूँ। तो सरदार जी का पूरा चैलेंज है यहाँ पे। तो सर आप मेरे को कौन सी आज मेकिंग दिखाने वाले हैं यहाँ पे? आज आपको स्वीट क्रिस्पी कुलचे की दिखाते हैं। ठीक है सर। सर मैंने अभी पीसेस करके रखे हैं। ठीक है, ये कुलचे के पीसेस कर लिए इन्होंने, एकदम फ्रेश लग रहे हैं देख के। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो सर ये क्या डाला हुआ उसमें अपने? ये फॉर्च्यून ऑयल है। फॉर्च्यून ऑयल? हाँ जी। ठीक है, कौन सा कुलचा प्रिपेयर कर रहे हैं आप? ये है स्वीट क्रिस्पी कुलचा। स्वीट क्रिस्पी कुलचा? हाँ जी हाँ जी। तो इससे पहले क्या करते थे सर आप? सर इससे पहले भजन कीर्तन करते थे, मैं तबला पहले करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से वो काम खत्म हो गया। हाँ जी, एक हिसाब से ख़त्म ही है सभी लोग, इसलिए फिर मैंने 6 महीने पहले घर पर फ्री बैठे, फिर उसके बाद फिर ये काम शुरू किया। ठीक है, तो 6 महीने बैठ के आपने थोड़ा ये डिशेज प्रिपेयर की यहाँ पर, और अब यहाँ पर स्टॉल लगाया आपने ये? हाँ जी हाँ जी। तो सर इसकी प्राइसिंग क्या रहती है? इसकी प्राइसिंग सर इस वाले की है 60, और बाकी आइटम्स की भी बता दीजिए थोड़ा। सर चॉकलेट कुलचे की हमारी 100 है, और रबड़ी कुलचे की भी 100 है, और आइसक्रीम कुलचे की भी 100 है, तो बाकी तकरीबन सारे 60 के 100 में। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। तो आप देखते हो एकदम गोल्डन कलर आ गया इसमें। काफ़ी क्रिस्पी से हो गए हैं देख सकते हो आप यहाँ पे। कि इसकी टाइमिंग क्या रहती है स्टॉल की? सर सुबह 10:30 बजे और शाम को 7 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है? हफ्ते में बुधवार को छुट्टी हो रही है सर। ठीक है जी। तो ये आपने चाशनी डाली हुई है? हाँ जी हाँ जी, ये चाशनी में कर रखे हैं, बेटे प्लेट कराना होगी प्लास्टिक में। तो चाशनी में भी इनकी काफ़ी आइटम दिख रही है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो चटपटे कुलचे तो आपने बहुत खाए होंगे, मसालेदार कुलचे बहुत खाए होंगे, पर मीठे कुलचे आपने अगर ट्राई किए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखो सर, इसके अंदर चाशनी भर चुकी है, स्वीट भी हो गए और क्रिस्पी भी हो गए। बहुत बढ़िया, जो नाम इसका रखा है स्वीट एंड क्रिस्पी। हाँ जी हाँ, स्वीट क्रिस्पी कुलचा। तो ये डाल रहे हैं आप मिल्क मेड? हाँ जी हाँ, नेस्ले का। तो सर इसकी लोकेशन बता दीजिए एक बार। ये सर है तिलक नगर मार्केट, 7 मंजिला मंदिर के पास। ठीक है जी। तो लोकेशन इन्होंने बता दी है, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट करके यहाँ पे आ सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे कुलचा रेडी हो चुका है,
तो इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। ये चारों आइटम्स यहाँ पे लग चुके हैं। ये है इनका रसमलाई कुल्चा, ये है इनका स्पेशल चॉकलेटी कुल्चा, ये है इनका रबड़ी कुल्चा और ये है इनका स्वीट क्रिस्पी कुल्चा। तो चारों आइटम्स बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। और सरदार जी का चैलेंज है कि पूरे वर्ल्ड में आपको ये कुल्चे नहीं मिलने वाले, इन्होंने खुद इन्वेंट किए ये। तब इनको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। तो इस कुल्चे के ऊपर बहुत बढ़िया से टॉपिंग्स की हुई है, ये देखो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, इलायची डाली हुई है, बादाम डाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कुल्चे को बनाया हुआ है। ये रसमलाई कुल्चा मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और लग नहीं रहा मैं कुल्चा खा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं रसमलाई खा रहा हूँ। और ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़िया तरीके से डाले हुए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार कुल्चा है ये। आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी कि आप कुल्चा खा रहे हो, हल्का सा कुल्चे का फ्लेवर सा आएगा, बहुत ही डिफरेंट है ये कुल्चा, मज़ा आ गया। सरदार जी कमाल कर दिया आपने, थैंक यू सर। अब ये मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा इनका चॉकलेट कुल्चा। तो आप जैसे कुल्चे के ऊपर उन्होंने वाइट चॉको चिप्स डाले हुए हैं, ब्राउन चॉको चिप्स डाले हुए हैं और पूरा एकदम चॉकलेट से कुल्चे को बनाया हुआ है। तो ये आइटम दोनों बहुत ही बढ़िया है, इंडिया एट मेन्यू सबसे रिकमेंडेड आपके लिए। आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये आइटम ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही टेस्टी है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ रबड़ी कुल्चा। तो आप देख सकते हो इस पर भी इन्होंने जो टॉपिंग्स डाली है ये ड्राई फ्रूट्स की डाली हुई है और रबड़ी देख सकते हो कितनी बढ़िया लेयरिंग की हुई है इन्होंने, ये देखिए। तो इनका बहुत ही इनोवेटिव माइंड है, इन्होंने कुल्चे को ही इन्होंने एकदम स्वीडिश बना दिया हुआ है। सच में ये आइटम आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल भी फील नहीं आ रही कि मैं कुल्चा खा रहा हूँ। तो रबड़ी कुल्चे की क्वांटिटी का प्राइस है इसका 100 रुपीज़, तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस है और देख सकते हो क्वांटिटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी है, और क्या चाहिए आपको। ये सारी आइटम्स दिल्ली में तहलका मचाने वाली है। तो लास्ट में मैं इनका ट्राई करूँगा स्पेशल स्वीट क्रिस्पी कुल्चा। तो इन्होंने गार्निश किया हुआ इसको इलायची सौंफ के साथ और थोड़ा सा मिल्क मेड डाला हुआ है और चाशनी में इसको डिप करके सर्व किया। जो जैसा कि इसका नाम है स्वीट क्रिस्पी, खाने में भी काफ़ी क्रिस्पी है ये और काफ़ी टेस्टी है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। इसका प्राइस है 60 रुपीज़। तो मेरी तो फेवरेट ये तीन आइटम्स है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये तीन चीज़ें पसंद आई। तो अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो अब ये मैं जल्दी से तीनों आइटम को फिनिश करता हूँ यहाँ पे और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।